भिवानी में होली के त्योहार पर लोगों में उत्साह है। वहीं पूजा करने आई महिलाओं ने बताया कि वो इस त्योहार को बड़े ही श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाने के लिए आई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दिन विष्णु अवतार भगवान नरसिंह के साथ भक्त प्रहलाद की पूजा होती है और कथाओं के अनुसार उन्होंने कहा कि कहा जाता है असुरों के राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका विष्णु भक्त को प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाती है और वहीं भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की थी। महिलाओं ने बताया कि इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और अपने परिवार की खुशियां मांगती हैं। वहीं शाम के समय होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर इस त्योहार को मनाते हैं। तो होलिका दहन को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु की कथा भी काफ़ी प्रचलित है। किस तरीके से भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाया था उसके पिता हिरण्यकश्यप से और होलिका जब प्रहलाद को अग्नि पर लेकर बैठी थी तो वहाँ पर भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाया था और इसी के साथ उसके अगले ही दिन होलिका दहन के अगले दिन रंगों के साथ गुलाल के साथ लोग एक दूसरे को इस त्यौहार की शुभकामनाएं देते हैं। भाईचारे का प्रतीक माना जाता है होली का रंगों का ये त्यौहार। तो जैसे नाकस के बेटे के नाम से मनाई जाती है और उनको जैसे एक चुंडी मिली होती है प्रहलाद को भाई वो उड़ा देंगे उनको तो होली जल जाएगी और प्रहलाद बच जाएंगे। आज होलिका दहन है। आज होली के त्यौहार को बहुत दिनों से पहले ही तैयारी कर दी जाती है। होली का त्यौहार बहुत ही खुशी से मनाया जाता है। आज हम सब ने पूरे परिवार के साथ होली का त्यौहार मनाया। सब घर में तरह तरह के पकवान बनाए और शाम को होलिका दहन की पूजा होती है। यह फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो आपने क्या मंगत मांगी है? हमने मन्नत मांगी है कि सब लोग खुशी से अपने घरों में स्वस्थ रहें।